व्लॉगिंग बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। 13 मिनट है, 13 मिनट ही। अरे आज किस्सा मेरे साथ ही हैदराबाद आओ मत। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉगर। आज अपन जाने वाले हैं हैदराबाद को, क्योंकि कल से अपने को एग्जाम से, तो अभी फिलहाल के लिए अपन अभी चले आना बेटर है अपने रास्ते कहीं। वो तो कल सुबह सुबह उठ के भागना बोल तो बहुत मुश्किल होती। और रही बात एग्जाम एंड टाइम पे, जब भी अपने को एग्जाम के टाइम पे ना अक्सर बसेस ख़राब हो जा रही थी। क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार अपन ऐसे जी गए थे सुबह के टाइम पे, और दोनों बार भी अपना लक बहुत ख़राब था और बस के मामले में। तो वो हिसाब से अपन गए पहले, एक दिन पहले हैदराबाद चले आ रहे हैं मामू का रुकना, और फिर वहाँ से अपन सुबह सुबह वहाँ से वहाँ चले आना सेंटर हॉल पर। तभी एग्ज़ाम होने चलते भी क्या बोलते, अपने व्लॉग्स वगैरह कुछ कंटिन्यू नहीं आ रहे थे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेंगे कि एग्ज़ाम्स के बाद जितना हो सकता अपन डालने की कोशिश करेंगे व्लॉग्स, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता अपन फिरने घूमने जाएंगे, और जितना कर सकते अपन जाने की कोशिश वहाँ तक जाएंगे और व्लॉग शूट्स करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और भी पर्टिकुलर जगहों के बारे में व्लॉग्स शूट करके डालना हुए तो प्लीज़ कमेंट करो। अभी थोड़ी तो कम हुई बारिश, देखेंगे अभी कैसा तो भी जाना है। चलो अभी कौन सा ये शूटर है अपने पास, अभी शूटर डाल के आना पड़ता है। रेनकोट तो नहीं है वही, रेनकोट डाल के निकल जाने का सेफ था, लेकिन रेनकोट लास्ट टाइम फट गया अपना, ले लिया ऐसा एक अच्छा खासा था। तो यहाँ से चलेंगे सीधा हैदराबाद, और अभी एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, कुछ भी तैयारी नहीं करी अभी कल के एग्ज़ाम की। तो कल के वास्ते एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और तो देखेंगे कल सुबह में, या तो आज शाम में इंशाल्लाह वहाँ पर जाके कंटिन्यू करेंगे। और अभी पहुँच गए सब सलीगंज करने की सकती है। तो ऐसे भी अपन आज सुबह से MGBS करने, और यहाँ से अपने निकलना है बाढ़ की तरफ। तो पिल्लर नंबर तो इधर कोई नंबर लिखे हुए थे हर एक इसके ऊपर, तो अपन सीधा 34 नंबर करने वहाँ से बाहर निकलने का ऑप्शन है। एक और एक पीछे की तरफ जो 0 नंबर गए से भी शुरू होता, बस यहाँ पर बाहर निकल और बाहर निकल के करने का। वैसे भी अपन पहुँच गए थे मामा के घर पर, और अभी प्रेजेंट है सो खाली बैठे हुए थे टाइम पास में, कुछ ना कुछ खाने का फूल तबाही लग रही थी। तो समझे कि यहाँ चाहिए था कटलिस तो भी खा ले गएंगे बोलते, तो अभी चलेंगे कटलिस खाने का से। तो है गाइस, तो अभी अपन आ गए थे कटलिस खाने का से, और हमारे साथ है मोहम्मद मुश्तबा मेरे भाई, और फिलहाल ये कटलिस खाएंगे, उसके बाद घर भी आगे फ़ौरन तौर पर पढ़ लेते कर लेते वरना है। लेकिन गाइस अभी अपन आ गए कटलिस, फिलहाल के लिए कटलिस खाएंगे और इन्जॉय कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा घर को। तो और ऐसे भी अपन जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तक कर लिए अभी अलहमदिल्ला। तो अभी चलेंगे यहाँ से सीधा सेंटर को जाके, ऐसे भी देखेंगे आज का कैसा तो भी पेपर आ सकता, और अभी बस पिंपल पड़ गया, और एक ही दिन में कल नया था और आज आ गया पिंपल, इसको राइट लो। अभी चलेंगे सेंटर करने, और लगभग पहले ही पेपर था बहुत टफा रहते, तो आज का देखेंगे कैसा तो भी आता, क्योंकि आज सप्ली का एग्ज़ाम है और वो भी तो इस जाए तो इंशाल्लाह अच्छा है, टफ आया तो फिर तो वार्ड लगने वाली छपनी तो कैसा भी। चलो चलेंगे सेंटर के और जाके वहाँ पर थोड़ा बहुत कंटिन्यू रिकॉर्ड करें तो करेंगे। और राइट गाइस, अभी अपन आ गए से कॉलेज का खरीद में से, लेकिन कॉलेज करने से ज़्यादा दूर जूस की दुकान, जूस की दुकान पर टाइम पास कर रहे थे जूस पीने से। और ये हमारे साथ परदीन भाई और ये फयाज भाई, एग्जाम से पहले फोटो आज ले लेते बटे ना पेपर, तो आज का देखेंगे आज कैसा तो भी देता क्या है, ईजी आया तो अच्छा है। और भाई डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, तो अभी इसका तो वो सब्जेक्ट है डीओ है, अब देंगे ना पहुँचेंगे इसका इंतजार है। नहीं जा रहे हम एग्जाम को, कम मारने जा रहे हैं, कम मारने ये धार रहे सही में धार रहे थे। हाँ जी, ये पूरे बैठ रहे थे आके, इसलिए तो तुम्हारा खड़ा लिया यहाँ पे। कट गया ना तुम्हारा, क्या कट गया, टाइम हो गया एग्जाम का। अभी 13 मिनट है, 13 मिनट ही हम लोग वेट करते करते भूल गए और टाइम क्या हो रहा है, और एक्चुअली अभी सिर्फ 10 मिनट है एग्जाम के वास्ते, और सिर्फ 10 मिनट है, और यहाँ से यहाँ करीब अच्छा ही करीब में से यहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है अपन,
व्लॉग ही बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहे थे। अरे आ रहा है लाख में आ रहा मेरे। अरे इसकी पानी आ जा रहा है कैमरा के सामने। तो अभी सीधा सेंटर के अंदर जाना है और जल्द से आना है। पहली बार 10 मिनट है वो तो। अरे आ रहा मैं तेरी समझा, न्यूमेरिकल निकल गया पेपर। तो मतलब वो बोले वो आखिर में बिजनेस मैनेजमेंट है बोल के आया मालूम थेरी का, उनसे लिख सकते बोल के। ये बंदा अभी अभी डायनेमिक्स है बोल के बोला सब बोला, फिर अब फिर कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ लेके आए जनाब। थेरी का भी नहीं पढ़े कोसा पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने का है फिर उनसे लिखने का है। वो जनरल क्वेश्चन आते रहे भाई बिजनेस के टॉपिक्स के लिए। भाई लोग सावधान रहो, सतर्क रहो। सुबह सुबह एग्जाम लिखने से पहले जाके देख लिया करो कि कौन सा एग्जाम है हॉल टिकट में। अरे आज के साथ मेरे साथ भी हाईलाइट क्या हुआ मालूम है? सुबह में आने वाला था मैं। जाओ भाई कॉल करके पूछ लेंगे आ रहा क्या नहीं आ रहा। बोलिए कॉल करा मैं, उन्हें बोला दोपहर में एग्जाम है। हाँ बोलिए, फिर हॉल टिकट खोल के देखे तो समझ नहीं आ रहा भाई दोपहर में बोल। तो सुबह में फिर आगे जाने वाला था। सुबह सुबह वैसे में भी तेज़ हो रही थी और बारिश। सुबह में आते तो लग जाते थे पानी में भीग लेते हैं, वाट लग जाती थी। सरान भाई क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सुबह में कॉल करके बोलने का। हाईलाइट खिस्सा हो गया था और 5 मिनट ही जो तो फोन अंदर डाल देंगे चलेंगे। तो वाइस एग्जाम के बाद मिलेंगे। तो अभी आज का तो एग्जाम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, कल भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है जो इसका आज का जो पार्ट टू है वो वाला एग्जाम है कल। तो कल आज से खतरनाक होने वाला है। घंटी में दावत है खिलाने वाले कौन है? भूख लग रही खिलाने वाले कोई भी नहीं, खड़ा हूँ भागने वाले पूरे अपने यहाँ पर। तो भाई सभी हम लोग घर को जाने का से निकल ही गए थे, लेकिन अभी बीच में क्या हुआ तो कटलिस खाने का से यहाँ पर रुके। फिलहाल के लिए जो बारिश तेज़ हो रही है ना उसके वजह से क्या बोलते भूख में दबा के पेट में भूख भी लग रही है और ऐसा वैसे वजह ठंडे ठंडे मौसम क्या था गर्म गर्म कटलिस बस मौसम से हुआ था। कटलिस खा लेंगे उसके बाद यहाँ से सीधा निकलना है अपने घरों को और अपने साथ खाली परजीन भाई है, बाकी ये साइफ भाई और अर्शान भाई तो चले गए। और से देखिए शख्स को परजीन देख खामोशी से आगे का चुप खा रहा है। और से देखिए ये शख्स को वंशी नायक। ओ नायक 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 फिल्म देखता एक दिन का सीन है। भाई लोग आगे अपनी कटलीस और कटलीस खाएंगे उसके बाद मिलेंगे भाई। और एक फिल्म आने लगा ब्लॉग में नहीं दिखा सकते ना। मसला नहीं है हर किसी को मालूम है, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके मैं वैसे यहाँ पर कटलीस दिए हम लोग, इतनी ज़्यादा गर्म थी और पूरा जुबान जल गई। अभी मुँह में से धुआं निकल रहा। आवा रहे भाई बोल। हाँ बोल। ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब कर रहा बीच बीच में, जब से कैमरा पलटा है तो मुँह बंद कर ले रहा। चलो मुझे अभी कटलीस खा ली, यहाँ से अभी सीधा जाना है कहाँ पर खराब रुपया के खाना खाना भी पड़ता अभी इसमें तो भूखे होने वाली है। एक आँखी कोने हो गया पहली बात पेट में, क्यों कुछ बुरा जल रहा हो गर्म सामने को। पहले तो खाने का एक साइड से थे वो साइड ही भजन में मिल गया, राइट से नहीं खा सकते मैं बुरा दाँत भजन में मिल गया था। चलो भाई अभी तो कुछ भी नहीं सीधा घर हूँ भागी हैं और खाना वाना खा लिए गले के सोचेंगे यहीं पर एंड करेंगे ब्लॉग। ठीक है अल्लाह हाफिज़ गुड बाय अल्लाह हाफिज़।